हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही शानदार लेक्चर, और हमारा आज का लेक्चर बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्नों पे। आप जैसा कि मोशन नामक पार्ट पढ़ रहे हो, गति गति में आज हम मतलब कि इसके पहले हमने मतलब कि गति के तीनों समीकरणों को प्रूव किया था, और आज उन्हीं समीकरणों पर हम बढ़िया बढ़िया एक नंबर का सवाल लगाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो पहले आप वीडियो को पीछे वाले देखो, पीछे वाले वीडियो जानते हो कहाँ मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट उसका लिंक मिल जाएगा, आप लाइन से अपनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी फेयर कॉपी भी यहाँ पे मेंटेन करने को मिल जाती है, क्योंकि नोट्स हम अपने हाथ से बना के आपको खुद देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगता होगा, है ना। तो आज हम लगाएंगे बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। लेकिन सवाल लगाने से पहले आपको याद होगा इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने तीन समीकरण गति के प्रूव किए थे। वह तीन समीकरण कुछ इस प्रकार थे। पहला क्या था, v बराबर u प्लस at था। दूसरा क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर था। तीसरा क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जानने हो कि बातें यहाँ पे क्या हैं, u को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, u को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। v को हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। और t को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। और s को दूरी या क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और a को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी a को हम प्लस ले लेंगे और कभी कभी माइनस का लेंगे, माइनस का, इसे हम बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे, अगर a का मान माइनस में होगा, अर्थात गाड़ी रुक रही है, मान लो कोई गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की चालते चल रही है, मैं ब्रेक मार दूं तो गाड़ी का वेग क्या होगा, 50 से 40 30 20 फिर जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गाड़ी का वेग घट रहा है, वेग घट रहा है यानी कि त्वरण कम हो रहा है, और त्वरण कम माने माइनस का लेते हैं। बस इतनी बात याद रखोगे सारे सवाल लग जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल को बढ़िया से सुनो, समझो ना, और हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को अच्छे समझिएगा, ताकि आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। 10-12 सवाल लगाए जाएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक सब आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर सवाल आप क्या देख रहे हो, एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है मतलब कि जिसकी चाल कितनी है, पहले वाले का सॉल्यूशन क्या है, चाल 20 मीटर पर सेकंड है बच्चों, ठीक है ना। तब देखो गाड़ी कि चाल दे रही, यानी कि प्रारंभ में गाड़ी प्रारंभिक वेग मिल गया हमको, प्रारंभ में गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, यानी कि u का मान क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर, अब इंजन बंद ब्रेक लगा रहा हूँ मैं ना, उसको रोकना चाह रहा हूँ, यह 10 सेकेंड में रुक जाती है, 10 सेकेंड में क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि t बराबर 0। अब देखो गाड़ी यहाँ पर चल रही थी, गाड़ी यहाँ पर क्या हो रही थी, चल रही थी, अब ब्रेक लगा तो रुक गया, प्रारंभिक वेग चल रहे तो कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था, अब रुक जाएगा तो वेग कितना होगा, वेग जीरो हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी t का मान कितना दे, 10 सेकेंड ना, 10 सेकेंड, और अंतिम वेग v का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात करो, यानी कि आपको a का मान ज्ञात करना है, आपको फार्मूला ही लगाना है, और गाड़ी चूंकि रुक रही तो a का मान कन्फर्म आएगा माइनस में। अब देखो जरा, a मान पूछ रहा है ना, हम बोलेंगे चूंकि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v का मान 0, u का मान कितना है, 20 प्लस रन दो आप, a का मान नहीं पता, t का मान है 10, अब इधर 20 आएगा माइनस का 20 और ये आएगा 10a, तो a का मान क्या आएगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब a क्यों माइनस में आया है, क्योंकि यह मंदन है, यह क्या है, मंदन है ना, यह मंदन है, गाड़ी रुक रही है, गाड़ी का वेग कम हो रहा है, तभी बाद में जीत जाके रुक जाएगा तभी जीरो हो जाएगा। तो जब ए का मान आ रहा है माइनस में, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मंदन हो रहा है। तो ये सवाल नंबर आपका लग गया पहला वाला, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरे वाले पे, देखते हैं क्या कहता है वो। पहला समझ में आ गया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो इसको, क्योंकि मैं चलता हूँ सवाल नंबर दूसरे पर बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है।
आप ध्यान समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस सर समझ में आ रहा है। अब देखो सवाल नंबर दूसरा बेटा, दूसरे का सॉल्यूशन। आप स्क्रीन पे सवाल पढ़ रहे हो ना क्या लिखा है, हालांकि मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा है, थोड़ा मिटा दो बढ़िया से। तो अगला सवाल क्या लिखा है बच्चों, लिखा है एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर दे। सुनिए जरा, एक वस्तु है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी कि शुरुआत में विराम में थी, रुकी हुई थी। ये बात ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज आपको ध्यान देना है। शुरुआत में रुकी हुई थी, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है कि तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर दिया है। तो इसको अभी चेंज कर लो, क्योंकि एसआई मात्रक हम यूज करते हैं। सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5/100, और यहाँ हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। अब ये कटेगा तो आएगा 1/20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। एक अमान निकल गया अभी एसआई मात्रक में। अब आगे क्या बोल रहा है, कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v का मान, अंतिम वेग, शुरू में जीरो था, कितना देर बाद पूछ रहा है कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा छोड़ो जरा, ये अभी सेंटीमीटर में, अभी सेंटीमीटर इसको आप यूज ही ना करो, छोड़ो, सेंटीमीटर उत्तर भी ले आएंगे, क्योंकि ये अभी सेंटीमीटर में, ये अभी सेंटीमीटर में है, तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो बोल रहा है वह कि, मतलब कि वह इतने समय में कितनी दूर चलेगी, बोल रहा है कि कितनी देर में वस्तु का वेग 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पहले हमको निकालना है, टाइम निकालना है, और इस टाइम में कितना दूरी तय करेगी। तो यह टाइम निकालने के लिए देखो, वी ए यू टी समीकरण नंबर पहला आपको यूज करना पड़े, ये आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। हम बोलेंगे चूंकि v बराबर होता है u प्लस ए टी, वी का मान है 50, सब सेंटीमीटर में चल रहा है ना, सेकंड है, u का मान 0, a का मान है 5, और t का मान नहीं पता, तो आएगा t बराबर कितना आएगा, 50/5/10 सेकंड। तो यानी कि हम पता चल गया कि 10 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इस टाइम में कितना दूरी तय करेगी, तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो s बराबर u का मान 0, t का मान 10, 1/2, a का मान क्या है 5 है, और t का मान क्या है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 × 10, ए आएगा तो 0 हो जाएगा, s बराबर ए कटेगा 2×5 = 25 250 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो पहला वाला का आंसर कितना है, 10 सेकेंड, और उस 10 सेकेंड में गाड़ी कितना दूरी चलेगी, 250 सेंटीमीटर चलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में बढ़िया से आ गया। हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरा, देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर तीसरा। बढ़िया समझना हमारी बात को, ठीक है ना। अगर बढ़िया समझ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। समझ पा रहे हो तभी कमेंट बॉक्स को यूज करना सीखो, बटन वटन दबाओगे तो ABCD लिखने आ जाएगा, कुछ आया चाहे ना आए, ठीक है ना, तो उतना तो आ ही जाएगा भैया आपको। तो सवाल नंबर तीसरा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है ना। अब मैं लगाता हूँ तीसरे का, मैं करता हूँ तीसरे का सॉल्यूशन। सवाल नंबर तीसरा अगर आप पढ़ रहे हो तो लिखा है बच्चों कि विराम अवस्था से आरंभ करके, विराम अवस्था से यानी कि पहले गाड़ी विराम में थी, और जब गाड़ी विराम में थी तो बच्चों यू का मान कितना होगा, 0 होगा। कोई वस्तु जब विराम में होती है तो उसका वेग कहाँ रहेगा, उसका वेग तो 0 रहना है। 8 मीटर पर सेकेंड की एक समान त्वरण से चलती है, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ए बराबर क्या दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पहले जो चीज दिया होता है उसको लिख लिया करते हैं। त्वरण चलती है, ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर पर सेकंड का वेग, यानी कि v का मान अब क्या हो जाएगा, 160 मीटर पर सेकंड का वेग, मतलब कि वह वेग वस्तु कितने समय प्राप्त करेगी, मतलब कि यह वेग कितने समय वस्तु प्राप्त करेगी, और इस टाइम में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। वही सवाल नंबर ए पीछे वाला था, दूसरा वाला ही। तो बेटा पहले t निकालते हैं, v बराबर u प्लस ए टी से, v का मान हो गया 160, और u का मान क्या है 0, a का मान क्या है 8, t का मान नहीं पता, यह तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 8, अब t का मान क्या आएगा,
20 सेकंड आएगा, कितना आएगा, यानी कि 20 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 160 मीटर पर सेकंड। और अब दूरी भी पूछ रहे हैं ना, s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, u का मान 0, t का मान अब कुछ भी रहे क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, a का मान क्या दिया है 8 दिया है, और t का मान 20, यानी कि 20 गुणे क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये कट जाएगा, आएगा 200 और 1600, ये तो जीरो हो जाएगा 1600 मीटर, यानी कि इतनी देर में, यानी कि 20 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय करेगी, 1600 मीटर की दूरी तय करेगी। और बेटा 0 से 160 मीटर पर सेकेंड का वेग पाने के लिए अगर त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो तो 20 सेकेंड लगेंगे, और उस 20 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय करेगी, 1600 मीटर तय करेगी। सवाल नंबर तीसरा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब हम चलते हैं सवाल नंबर चौथा, देखते हैं चौथा क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर आ रहा है हमको। अब देखो सवाल नंबर चौथा क्या कहता है, बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर हम लगाते हैं चौथा, चौथा क्या कहता है, इसको ध्यान पूर्वक आप देखिए। लिखा एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो u बराबर क्या हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। और कह रहा है तथा त्वरण 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और a का मान क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड का क्या है स्क्वायर है, और कह रहा है कि कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि t का मान और v का मान कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कितने समय बाद यह वेग इसको मिल जाएगा, और इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, आपको दूरी बतानी है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो फिर वही बात है, v बराबर u प्लस at से, v बराबर u प्लस at से। अब ये वाला सवाल मैं आपके नाम करता हूँ, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क हो गया यार, क्या इसको लगाना बार बार एक ही टाइप का सवाल, ये आपका होमवर्क है, इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखोगे फटाक से, ठीक है ना। इसका उत्तर कहाँ पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा चेक करूंगा, अगर आप पढ़ाई करते हो तो लिखोगे जरूर क्या होगा क्या नहीं होगा। हम चलते हैं सवाल नंबर अगले वाले पे, देखते हैं अगला वाला सवाल क्या कहता है, ठीक है ना, यानी कि सवाल नंबर पाँचवा देखते हैं क्या कहता है, सवाल नंबर पाँचवा। अब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं इसको बार बार अब क्या है, इसका काम नहीं है मेरे पास कोई है। अब सवाल नंबर देखते हैं पाँचवा कहता क्या है, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो कि यस सर समझ में आ रहा है, और अपना आंसर सवाल नंबर चौथे का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि मैं चेक कर लूँ कि सही है कि गलत है। अब देखो सवाल नंबर हमारा पाँचवें का सॉल्यूशन, पाँचवें का सॉल्यूशन देखो ध्यानपूर्वक क्या होगा। लिखा है सवाल आप पढ़ने को पा रहे हो, एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, यानी कि विराम अवस्था में है, तो यू का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, ए का मान यहाँ पे क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब पहला सवाल इसमें है, पहला सवाल है ए नंबर जो सवाल है ना, 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा, टी का मान अगर 5 दे दिया है तब इसका वेग कितना होगा आपको ये बताना है, बढ़िया सवाल दिया है। और बी वाला बात दिया है कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि टी बराबर 5 सेकंड, बताओ यस का मान क्या आएगा। और सवाल नंबर इसका तीसरा है, पहले 5 सेकंडों में इसकी के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, सी नंबर सवाल मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले 5 सेकंडों में इसकी औसत चाल क्या होगी। और अगला नंबर जो सवाल नंबर डी है, सवाल नंबर डी कह रहा है बच्चों कि 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी तक चल चुकती है, मतलब कि v का मान 40 हो जाए तो कितना दूरी तय कर लेगी यार, तो 40 में कितना टाइम निकालना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है, कोई बात नहीं, मजा पहले इसको लगाओ यार, आपको u पता है, ये पता है, t पता है, v का मान बताना है ना। सवाल नंबर ये देखो, v बराबर क्या होता है, अरे v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस at, v का मान बताना है आपको, u का मान क्या है 0 है, a का मान क्या है हमारा 2 है, और t का मान क्या है 5 है, यानी कि v बराबर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बेटा 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, सवाल नंबर बी, s बराबर क्या होता है, देखो u का मान 0, a का मान 2, t का मान 5, s का मान निकालना है,
हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस बराबर यू का मान 0, टी का मान 5, इसका तो मान 0 आ ही जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए का मान क्या है 2 है, और टी का मान कितना है 5 × 5 हो जाएगा। नहीं तो ये देखो जरा, कट जाएगा, ए आएगा एस बराबर 25 मीटर, कितना आएगा, मात्रक मत गड़बड़ाइएगा, ये मीटर दूरी है ना, तो मीटर ही जाएगा यहाँ पे। अगला क्या लिखा है, सवाल नंबर सी मैं लगाता हूँ यहाँ पे। सवाल नंबर सी कह रहा है आपसे कि पहले 5 सेकेंडों के दौरान इसकी औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर अगर आपने पढ़ा है पहला लेक्चर, तो होता है कुल दूरी बट क्या होता है, कुल समय। अच्छा बताओ कि 5 सेकेंड में कितना दूरी तय की है, 25 मीटर की दूरी तय की है, और टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड लगा है, 5 सेकेंड, यानी कि ए आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 25 से मतलब 25 से को जब 5 से काटोगे 5 आएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और सवाल नंबर डी कह रहा है, बढ़िया सवाल है सवाल नंबर डी, कि मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी चल चुकती है, 40 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त। अब देखो यहाँ पे टाइम अब निकालो चाहे ना निकालो, अब इसका भी मतलब गति के तीसरे समीकरण का यूज कर लेते हैं। v बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, v का मान कितना बोल दिया है, देखो u का मान 0, तो मतलब कि चलते चलते 40 हो गया, तो v का मान कितना हो गया 40 का स्क्वायर बराबर u का मान 0 का स्क्वायर, और 2 × ए का मान कितना है वस्तु का, ए 2 है, और वही पूछ रहा है कि इस वेग को पाने के लिए कितना दूरी चलना पड़ रहा है इनको। ए आएगा 4 × 16 बराबर 4s, काटोगे तो आएगा 400 मीटर, यानी कि बेटा 400 मीटर चलने के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम निकालना पड़ता कि v बराबर u प्लस at से v का मान 40 रखना पड़ता, तो t का मान निकालना पड़ता उसके लिए, फिर निकालना, उससे बढ़िया है कि यही आराम से ए का मान पता है, वी का मान पता है, यू का मान पता है, इसका मान निकालना है आराम से, गति के तीसरे समीकरण का भी आप यूज करना सीख गए हो। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5वां, बेहद झकास सवाल, मस्त सवाल, आपको समझ में आया होगा, एक ही पार्ट में कई कई सवाल हम आपको दे रहे हैं ना, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने किताब से सारे क्वेश्चन को लगा डालोगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हो, और कहीं अगर प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में हमको बताने वाले हो, अपनी फेयर कॉपी भी आप मेंटेन कर रहे हो, कोई दिक्कत आपको हो नहीं रही होगी, और अगर दिक्कत नहीं हो रही तो बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो हम तो यही जानेंगे ना कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम तो यही जानेंगे। अब देखो सवाल नंबर 6वां क्या कहता है बच्चों, सवाल नंबर 6वां अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो हम भी देख दिखा रहे हैं आपको। अब देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं, कह रहा है मतलब कि बिंदु ए से एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक वेग से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ से गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना, एवं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती हुई, बोल रहा है, और ए का मान क्या है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती हुई बिंदु बी पर 25 मीटर पर सेकेंड का, मतलब चलते चलते ना बिंदु बी पे आ गई, और बी पे इसका मान यहाँ पे यू था, यहाँ पे वी हो जाएगा, इसका मान हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 5 से 25 भाग गया यार, तेज चल रहा है, 20 ए तक की दूरी ज्ञात कीजिए, इसका यस का मान बताना है बच्चों, ठीक है ना, तो वी ए यू यस टाइम नहीं होता है, तो कौन सा समीकरण होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as से, वी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यू का मान 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान 2 है, एस का मान नहीं पता, ए आएगा 625 माइनस हो जाएगा 25 बराबर 4s, यानी कि आएगा 600 बराबर 4s, एस का मान कितना आएगा 150 मीटर, यानी कि बेटा 150, यानी कि इनको 5 मीटर से 25 मीटर का मतलब कि वेग पाने के लिए, चाल पाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि 150 मीटर की दूरी तय करने के बाद मतलब कि इसका वेग कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगले वाले पे, इसको मिटाते हैं बच्चों, सवाल नंबर देखते हैं 7वां क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों अपने किताब से आप सवाल जरूर लगाओगे, ठीक है ना, और मैं आपको हर टाइप के सवाल बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, हर टाइप के सवाल बताऊँगा आपको, और जितने कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमको आप बता देना, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सवाल नंबर क्या है, 7वां क्या कहता है, एक पिंड का, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, क्या लिखा है, एक पिंड का
किसी क्षण वेग 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हम मतलब कि पिंड चल रहा है, हमने अचानक देख लिया तो हमने बोला कि उसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। और क्या बोला, यदि उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, यानी कि a का मान क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का त्वरण हो, तो बोल रहा है 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, यानी कि s बराबर 11 मीटर चलने के बाद v का मान क्या होगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू का मान पता है 10^100 हो जाएगा, 2 × a का मान 2 है, इसका मान 11 है, ये हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 44, यानी कि v का स्क्वायर बराबर 144, v बराबर रूट में आएगा 144, बाहर निकल जाएगा तो आएगा 12 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आ रहा है ना, मैं तेज तो नहीं चल रहा ना बच्चों। तो अब देखो जरा ये भी सवाल हमारा लग गया, अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगले वाले पे, सवाल नंबर 8 में पे चलते हैं, इसको मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी पे नोट कर लो सवाल नंबर, और हाँ एक खाली नोट नहीं करना यार भाई, इसको नोट पर नहीं करना, अपने किताब से अपने सवालों को पकड़ो और लगाओ, जब तक वो लगाओगे नहीं ना ये देखने से कब तक काम चलाओगे। सवाल नंबर देखो 8वां क्या कहता है, सवाल नंबर 8वां अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, क्या लिखा है देखते हैं हम भी, लिखा है एक रेलगाड़ी 44 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 44 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है, अब यानी कि ब्रेक लग गई तो गाड़ी में मंदन आएगा, लेकिन s बराबर 121 मीटर जाके रुकी है, कोई गाड़ी ब्रेक मार के तुरंत नहीं रुकती है ना, मतलब थोड़ी देर घिसराएगी चलेगी तब वो रुकेगी, यानी कि वही बोल रहा है, ठीक है ना। अब ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान क्या करो, पहली बात तो यह कह रहा है कि आप a का मान बताओ, मतलब गाड़ी रुक गई का मान ऑटोमेटिक माइनस में आएगा, ठीक है ना। और बोल रहा है टाइम भी बताना है आपको कि मतलब कि गाड़ी रुकने में कितना, मतलब कि अभी बताइए कि रुकने से पहले गाड़ी कितना समय लेगी, रुकने से पहले गाड़ी कितना समय लेगी सब निकल जाएगा, लेकिन पहले आप इसको देखो 44 से चल रही थी, मैंने ब्रेक लगाया तो अंतिम वेग v का मान कितना हो गया 0 हो गया, है ना। अब देखो निकालना a का मान है, तो v a u s यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से v का मान हो जाएगा 0, u का मान आएगा 44 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान नहीं पता, s का मान 121 आएगा, यानी कि इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 44 × 44 और प्लस का है ना उधर जगह हो जाए माइनस का, और यहाँ आएगा 2 × a × 121, यानी कि a बराबर माइनस का 44 × 44 / 121, 11 × 44 = 111 में 121, ए आएगा बच्चों a बराबर माइनस 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, a का मान क्या आएगा, माइनस का 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा बच्चों क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि अभी बताइए कि रुकने से पहले गाड़ी कितना समय लेगी, मतलब कि यार u से v 0 हो गया, टाइम पूछ रहा है, a का मान भी निकल गया, v बराबर u प्लस at से v का मान, तो गाड़ी एट लास्ट रुक गई तो गाड़ी का वेग अंतिम में 0 हो गया, प्रारंभ में कितना था 44 था, और a का मान अब आएगा निगेटिव में, यहाँ रखना पड़ेगा निगेटिव में चिन्ह के साथ रखते हैं t, यानी कि आएगा t बराबर ये आएगा इधर आएगा माइनस का 44 / -16 2 × 11 = 2 से 22 2 से 8 कट जाएगा 2 × 4 = 2 = 11, यानी कि t बराबर 11/4 × 8 4 × 7 = 28 4 × 5 = 20 सेकेंड, यानी कि बेटा गाड़ी को रुकने में कितना वक्त लगा है 2.75 सेकेंड लगा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यार, सवाल है, सवाल लगाओगे तभी ना आएगा, और नहीं लगाओगे तो सवाल कैसे आएगा। सवाल नंबर 8 तक हमने लगा लिया है, अब हमको सवाल नंबर 9 लगाना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो बताओगे तभी ना हम जानेंगे, स्क्रीनशॉट लो सवाल फटाक लगाया करो, ठीक है ना। और सवालों में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब समीकरणों पर लगाया जा रहे हैं, जो भी समीकरण बैठता है आप उसको लगाओ, और जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे सवाल लगाने का तब तक बेटा बड़ा मुश्किल है लगाना सवालों को, ठीक है ना। अभ्यास
आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो हम लगाते हैं सवाल नंबर, लगाते हैं नौवां सवाल हमारा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सवाल नंबर नौवें का सॉल्यूशन। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं यह क्या है, एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, यानी कि यू का मान कितना हो गया यहाँ पे, यू का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। और बोल रहा है यदि ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन, यानी कि यहाँ पे मंदन लिखा है, तो एक का मान 4 मीटर पर सेकंड का, यानी कि लगातार वेग घट जाएगा, यानी कि रुकने वाला होगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और बोल रहा है तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी, तो T का मान पूछ रहा है, ठहर जाएगी तो V का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और ठहरने से पहले वह कितनी दूर चलेगी, तो कितने समय पश्चात कार ठहर जा रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और देखो जरा कोई बात नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी का मान हो गया 0, यू का मान था 20, और ए का मान कितना हो गया हमारा माइनस का 4, और टी का मान नहीं पता, ए आएगा माइनस का 20 माइनस का 4 टी, ये कट जाएगा, और टी का मान निकालोगे ना तो आएगा 5 सेकेंड, कितना आएगा 5 सेकेंड। और इस 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो एस बराबर क्या पढ़े हो, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो u का मान कितना हमारा है 20 है, और t का मान कितना है 5 है, हाफ a का मान क्या है हमारा माइनस का 4 है, और t का मान कितना है अभी निकाल के बैठे हो, 5 गुणे 5 यानी कि 25 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस 2 माइनस 10, ये आएगा 100 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों 90 मीटर, यानी कि रुकने के पश्चात वह 90 मीटर की दूरी तय करने वाली है, कितनी तय करने वाली है 90 मीटर की दूरी तय करने वाली है। एक मिनट बच्चों, एक बार क्वेश्चन को जरा मिला लिया जाए, 5 सेकंड आएगा ना, एस बराबर क्या पूछ रहा है, अंतिम सवाल क्या पूछा है, ब्रेक लगाने पर ठहरने से पहले वह कितनी दूर चलेगी, है ना। तो मतलब कि वीयू का मान 20 था और टी का मान 5 आया, 20 25 100 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जरा, यह 25 50 आएगा नहीं, और ये आएगा 50 मीटर, कितना आएगा 50 मीटर। तो कैलकुलेशन आप तो ध्यान देना पड़ेगा, इस टाइप के सारे सवाल आपकी किताब से हमने लगा डाले हैं, इससे मतलब कि आसान कठिन सवाल मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तब नीचे आती है तब उसके सवाल कैसे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे हमको चर्चा करना बाकी है। तो वही हमारा इस पार्ट का अंतिम लेक्चर होगा मोशन का। तो आज आपके लिए होमवर्क यही है कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं अगल बगल में, चाहे मांग की चाहे कहीं से ले आओ, आप गति के समीकरण यानी कि वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस पे सारे सवाल को लगाओ और हमको बताओ कि सर हमको समझ में आ गया, हमारा सवाल धनाधन लग रहा है। बस नौ का ध्यान देना, एक अवश्य ध्यान देना है, ये जब गतिमान वस्तु रहेगी यानी कि समय के साथ गति बढ़ेगा तो ये का मान प्लस लेंगे, और जब ब्रेक लोगे तो समय के साथ उसका वेग घटेगा तो ये का मान लेंगे माइनस में। इतना ध्यान दो, सवाल लगाओ, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, तो फिर मजा आ जाएगा। फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनों का केयर करो, खुद का केयर करो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।